So hi everyone, welcome to you all in my another video. So this is another video for Master of Public Health. So I have already uploaded my several videos about Master of Public Health, but today is the latest perspective about Australia. So if you are a healthcare professional, you are planning to study in Australia, so most of you people ask me that what is the cheapest course, cheapest university or a college offering this Master of Public Health, and how we can get a permanent residency in Australia while we are doing Master of Public Health, and is there any advantage to do Master of Public Health, and where we can get a job, so is there any job perspective in Australia, you know. So basically, if you want to come Australia, Australia ka purpose, this is the two aim. Ek to ye hai ki bhai aapko MPH karna hai and you want to go back to your home country, so you just coming for a degree, you know. Another perspective that you are coming to Australia, you want to get permanent PR visa and you want to get a job and you want to settle down in Australia. ठीक है, तो अगर आपने कोई भी डिग्री की हुई थी, पहले आपने अगर फार्मेसी किया है, नर्सिंग किया, मेडिकल डॉक्टर हैं आप, MBBS, या आपने डेंटिस्ट्री किया हुआ, या आपने इवन आपने आयुष की डिग्री की हुई है, BAMS, PUMS, BHMS, तो उसके बाद में इन सभी के लिए बेसिकली मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में एडमिशन मिल जाती है, बहुत ही ईजिली एडमिशन मिल जाती है. तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार कोर्स है, आपके लिए सबसे चीपेस्ट कोर्स मिला है कि एकेडमिकली आपका पूरा हेल्प करेगा कि आपको पीआर कैसे मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. ठीक है, तो जो एमपीएच कोर्स है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये 2 साल का कोर्स है बेसिकली, और इस कोर्स में जो है जो जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है तो यही है कि आपकी जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपकी अपनी, उसके अलावा जो है IELTS बेसिकली 6.5 ओवरऑल चाहिए और मिनिमम 6 चाहिए किसी भी जो है इंडिविजुअल, मतलब जो चार जो कंपोनेंट होते हैं उसमें इंडिविजुअल 6 होना चाहिए, और ओवरऑल 6.5 अगर आपका आता है IELTS में, या इक्विवेलेंट अगर आपका 60 का अराउंड स्कोर आता है PT के अंदर, तो अभी आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ. तो यही इसकी एलिजिबिलिटी है कि भैया आपको जो है 6.5 और इक्विवेलेंट जो है ओवरऑल आपको स्कोर लेकर आना है MPH एडमिशन के लिए. ठीक है, तो सबसे जो सस्ती यूनिवर्सिटी हमारे पास वो है ACU, ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी ACU, और इसके 4 कैंपस हैं, एक है सिडनी, एक है मेलबर्न, एक है ब्रिस्बेन और एक है कैनबरा. तो इन 4 कैंपस में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, और आप मुझसे भी, हमसे बात कर सकते हो, हमारे एकेडमिक काउंसलर से, कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, है ना, क्योंकि आपको आगे ईजिली आपको जॉब मिल जाए, आपको जो है PR मिल जाए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, आपको मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में एडमिशन करा के आपको ऑस्ट्रेलिया में बुलाएंगे, और साथ में हम आपको जो है एक कोर्स में एडमिशन कराएंगे ताकि आप जो है अपना हेल्थ के जो लाइसेंस है वो आप परस्यू कर सको. तो फॉर एग्जांपल, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपने जो है MPH पे आप आ सकते हैं, और फिर आपको कैप्स एग्ज़ाम पास करना होगा, तो हम कैप्स एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, लाइव क्लास देते हैं, पूरा मटेरियल कराते हैं, पूरा हम पास कराते हैं, और उसके बाद आपको PR मिल जाएगी जैसे ही आपने कैप्स पास किया. सेम फॉर अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आपको ADC एग्जाम पास करना होगा, उसकी भी हम प्रिपरेशन कराते हैं ये यहाँ पर, और अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं MBBS हैं तो फिर आपको AMC एग्जाम देना होगा, तो उसकी भी हम प्रिपरेशन कराते हैं ना. तो अगर आप सेम फॉर फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो उसकी भी हम यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराते हैं. तो सिंपल सी बात यह है कि आपको MPH जो करना आना है, MPH जो है उससे आपको जॉब नहीं मिलनी है, और ना ही इससे आपको PR मिलना है. तो जॉब और आपको जो PR मिलेगा वो मिलेगा आपकी जो प्रीवियस डिग्री थी, वेदर इट इज़ ए फार्मेसी, नर्सिंग और MBBS और BDS, डेंटिस्ट्री किया था आपने, फिजियोथेरेपी किया था, तो उसी को आपको लाइसेंस परस्यू करना है और उसी पे आपको जॉब और PR मिलेगी. ठीक है, तो दरअसल क्वेश्चन दैट बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है हमारी होम कंट्री में, तो फिर क्या होगा. तो रजिस्ट्रेशन करना आपकी होम कंट्री में मस्ट है, उसके विदाउट आपको यहाँ पर बहुत ही दिक्कत होने वाली है, मतलब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने MBBS किया था किसी रशिया से या चाइना से या किसी और थर्ड कंट्री से, और आपका अभी आपने मतलब आपने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया है RMP इन इंडिया में, और आप ऑस्ट्रेलिया चाहते हो, तो आप नहीं आ सकते हो, और मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी. आप MPH में तो आपको एडमिशन मिल जाएगी, MPH तो आप कर सकते हो, मगर MPH के बाद फिर जॉब मिलना डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है यहाँ पर, और है ना, आपने उस कंट्री से MBBS, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और सेम फॉर अगर आपने नर्सिंग है, फार्मेसी है या डेंटिस्ट्री है, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, उसके बाद ही आप इन सारे कोर्सेज में आप लोग जा सकते हो ना. तो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एक ऐसा कोर्स है वो जो है शॉर्टेज जो है ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं आता है, तो MPH करने के बाद पब्लिक हेल्थ में
वीज़ा जो है नहीं मिलेगी आपको जो है ना, तो आपको जो वीज़ा मिलेगी वो आपको मिलेगी आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और रजिस्ट्रेशन हम आपका करवा देंगे, हम आपको यहाँ पर जो है प्रिपरेशन कराते हैं, तो हम आपका एडमिशन भी कराएंगे, और एडमिशन से बेसिकली वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग। तो आपको जो भी फीस देनी है ये यूनिवर्सिटी को देनी है, हमको नहीं देनी है कुछ भी। तो जैसे कि 12,000 अराउंड में पर सेमेस्टर फीस है, ये सबसे लोएस्ट फीस है, बाकी सारे कॉलेज जो हैं 15-16 हज़ार और उससे ज़्यादा ये चार्ज करते हैं ना, और तो सबसे कम है 12,000, से कम कोई दूसरा कॉलेज नहीं। और दूसरा एक है, एक हम पर और भी कोर्सेज हैं MBA हेल्थ केयर वगैरह, और तो आप उन सबको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी, और कुछ जगह पर जो है MPH 2 साल से कम का कहा जाता है, कुछ जगह पर 1.5 साल का है, या कुछ जगह पर कुछ लोग बोलेंगे कि जो फास्ट ट्रैक 1 साल का है। तो आप जो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया तो आपको 2 साल वाले कोर्स पे आना चाहिए, बिकॉज ये करने के बाद आपको 3 ईयर का वर्किंग वीज़ा भी मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, आपको ये कंप्लीट करने के बाद, है ना। अगर आपने वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी किया और आपको, तो अभी ये 3 साल का वर्किंग वीज़ा मिलेगा, और आपने एग्ज़ाम बीच में क्लियर कर लिया तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, और फिर आप उस रूट पर आप लोग जा सकते हो, है ना। तो और उससे कम वाले कोर्स पर न जाएं, तो उसमें ये सुविधा है। और जो आपका पार्टनर होता है, अगर आपका हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है, उसको भी फुल वर्क राइट रहता है ये 2 साल वाले कोर्स को करने में, तो ये एडवांटेज है आपको, आपको यही कोर्स में करना चाहिए। अगर किसी का अगर बेसिकली आपका अगर 6.5 नहीं है, तो हमारे पास एक दूसरा कोर्स है, वो है फेडरल यूनिवर्सिटी का, तो उसमें ओवरऑल अगर आपका 6 भी है, इंडिविजुअल बेट बेसिकली 6 या मतलब मिनिमम 6 है, तो अभी आपका IELTS में या इक्विवेलेंट PT में, तो अभी आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसका कैंपस है मेलबर्न सिडनी में, इसके 2 कैंपस हैं, और ये जो है एक कॉलेज है बेसिकली ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल मैनेजमेंट कॉलेज, वहाँ पे आपको जो है ये एडमिशन मिलेगी, और इसकी फीस जो है 12,000 है, और ये भी 2 साल का जो है कोर्स है। तो इसको जी इनटेक है, ये मार्च जुलाई और नवंबर में 3 इनटेक होती हैं। तो अगर आपने कोई भी डिग्री किया हुआ है, फार्मेसी में BPharm, PharmD, या आपने MBBS किया है, नर्सिंग किया है, आयुष की डिग्री है, डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन है, एवन आपने कोई सिंगल बैचलर डिग्री भी की हुई है और आपको ऑस्ट्रेलिया आना, तो अपने कोर्स में जो है ये MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो हमारे एकेडमिक काउंसलर से आप अभी तुरंत कॉन्टैक्ट करें अगर आपको मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो आई होप को आपको बात समझ में आई होगी कि आपको जो है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में आना है, और साथ में आपको इमीडिएटली, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इंडिया में एग्ज़ाम को पास कर लें, हमारे साथ आप ज्वाइन कर लीजिए, आप मेडिकल डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं, जो भी हैं, और उसके बाद आप स्टडी वीज़ा पे आ सकते हैं यहाँ पर, और तो भी आपका जो है आपकी जो लाइफ है आपको PR इजीली मिल जाएगी, और आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी, है ना। तो ये थी आज की वीडियो, प्लीज़ लीव ए कॉमेंट बिलो, तो मैं आपके कॉमेंट को देख के मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, तो जो अच्छे कमेंट्स होंगे, जो मुझे लगेगा कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ लीव ए कॉमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।